हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल गाइज आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग अमेजिंग कैसे हो बचा पार्टी यस एवरी वन आर यू डूइंग अमेजिंग सो टूडे वी आर गोइंग टू सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोगों ने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को देखा है कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज में वी हैव सीन अबाउट द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी विच वॉज ए मतलब बहुत सारे टाइप्स थे एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज में उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने आज देखना है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी और रिट्रेंचमेंट के बाद लास्ट होने वाला है जो कि है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी ठीक है so, सो कल है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन अगेन उसी में कल मैं आपको कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा आज मैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी खत्म करने की कोशिश करने वाला हूँ प्रोबेबली हो जाएगा नहीं हुआ तो थोड़ा सा पार्ट रहेगा जो कि हम लोग कल कर सकते हैं बहुत मज़ा आने वाला है बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दीपक भाई, good evening भरत भाई, भरत कैसे हो आप लोग? ठीक है? चलिए, so फटाफट फड़ से शुरू करते हैं एक ही मिनट लूंगा ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाला हूँ माइ सेल्फ मैं हूँ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट प्लस वेरीफाइड एडुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना होगा अन अकेडमी पर तो आप लोगों को जाना होगा अन एकेडमी के वेबसाइट पर और जैसे ही आप लोग जाते हो अन एकेडेमी के वेबसाइट पर आपको आपका गोल सेलेक्ट करना होगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोग आपका गोल सेलेक्ट कर सकते हो सी ए में जाकर आपको सी ए इंटरमीडिएट पर करना होगा क्लिक आज एन आज यू क्लिक ऑन सी ए इंटरमीडिएट यू कैन चेक इट आउट ओवर यर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सारे प्लस के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यू गेट डाउट सॉल्विंग लाइव मेंटरशिप प्रिंटेड बुक्स Plus के सब्सक्रिप्शन uh, में आउट लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट और एक होता है है, तुम्हारा लाइट लाइट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो तो में वीडियो को एक्सेस तो नहीं मिलता बट सारे के सारे आप लोग टेस्ट uh, सीरीज या फिर या फिर एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस के लिए तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो किसमें वो सब कुछ आपको मिलेगा लाइट में सो so, प्राइजिंग देखते हैं फटाफट से पार्टी ट्वेंटी परसेंट का ऑफर जो था ट्वेंटी एट तक वो अभी हो गया थर्टी ऑफ अप्रैल तक एक्सटेंड हो चुका है सो डागा टेन अभी भी अगर आप लोग कोड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको टेन नहीं ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा कितना ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा देखना यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट सो ट्वेंटी फोर मंथस का सब्सक्रिप्शन एटीन मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स सिक्स मंथ्स थ्री मंथ्स टू मंथ्स देखना बचा पार्टी यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग भी यहाँ पर है आपके सामने और यहां पर देखना लाइट सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसिंग आपके सामने है यू कैन यूज माई कोड डाटा टेन एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस यहां पर ऑफर चल रहा है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट का जो कि है बचा पार्टी जो कि कब तक जो कि है थर्टी ऑफ अप्रैल तक मतलब कल तक है वो वैलिड फटाफट से अभी शुरुआत करते हैं हमारे आज के बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ आ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जल्दी से मैं डायरेक्टली जाता हूं कहां पर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के पास नहीं रिट्रेंसमेंट स्ट्रेटजी के पास ठीक है बच्चा पार्टी बाद में रिविजन करेंगे पहले जाते हैं रिट्रेंसमेंट स्ट्रैटेजी के पास ठीक है यस yes, ये रही हमारी रिट्रेंसमेंट स्ट्रैटेजी रेडी ऑल ऑफ यू चलिए शुरू करते हैं रिट्रेंसमेंट स्ट्रैटेजी को तो क्या बोलता है रिट्रेंजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है किस लिए होती है बेटा बिजनेस हमारा चल रहा है बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है बहुत एक्सपांशन कर लिया है बहुत ही सब कुछ कुशल मंगल है हमारी ज़िंदगी में लेकिन बेटा सब कुछ हमेशा ज़िंदगी में अच्छा अच्छा नहीं होता है ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों को उतार चढ़ाव के थ्रू जाना पड़ता है तो बस वैसे ही एक कंपनी का जो बिजनेस चल रहा था हमारे दीपक भाई का एक बिजनेस चल रहा था दीपक भाई ने बहुत एक्सपांड कर लिया था दीपक भाई पुणे में बिज़नेस शुरू किए मुंबई में बिज़नेस शुरू किए डेली में बिज़नेस शुरू किए एम में बिज़नेस शुरू किए इसी तरीके से उनका पूरे भारत में बिज़नेस शुरू हो गया था लेकिन अभी बहुत डिफिकल्ट जा रहा था दीपक भाई को संभालना दीपक भाई को बहुत उतार चढ़ाव सहन करने पड़ रहे थे तो उस उतार चढ़ाव को हम लोग ठीक भी कर सकते हैं और अगर ठीक ना हो अगर ठीक ना हो तो हमें बहुत सीरियस स्टेप्स लेनी पड़ती है तो रिट्रेंचमेंट कुछ उस तरीके का है रिट्रेंचमेंट में हम लोग तीन चीजें देखने वाले हैं कौन सी तीन चीजें एक होगी टर्न अराउंड ठीक है एक होगी टर्न अराउंड दूसरी होगी डाइवेसमेंट और तीसरी होगी और तीसरी होगी लिक्विडेशन देख ना बच्चा पार्टी बिजनेस ना हमेशा 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 ऊपर नहीं जाएगा बिजनेस में कभी कभी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं बिजनेस फेल हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है नेगेटिव क्रैश फ्लोज हो गए सेल्स रेशो कम हो रहा है असेट टर्नओवर ओवर रेशो ज्यादा नहीं है आर ओ आई बहुत कम है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है तो कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से ये सब कुछ हमारा गलत हो रहा है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा एनालाइज uh, करना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है और जो गलत हो रहा है उसको हम लोग इंप्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे और इंप्रोवाइज करना है मतलब हम लोग टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी इंप्रोवाइज कर रहे हैं उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब टर्न अराउंड की बात होगी लेकिन हमारे दीपक भाई के हमारे दीपक भाई के बेटा आ, कुछ ये है क्या बोलते उसको कुछ गुड्स है आ, दीपक भाई दो तीन बिजनेस में काम करते अलग अलग तो दीपक भाई को बोला दीपक भाई तू एक बिजनेस बंद कर रहे हैं फुटवेयर का बिजनेस है दीपक भाई का ठीक है डिजिटल का है फार्म फ्रेश का है तो दीपक भाई को बोला ये फुटवेयर वगैरह बंद कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है यहाँ पर देख कितना लॉस हो रहा है देखो एक यूनिट बंद कर एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट दीपक भाई को बंद करने बोला मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवेस्टमेंट दीपक भाई को बोला बाद में पूरा कि पूरा बंद कर दे दीपक भाई कुछ नहीं हो रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास वो पैसा पूरा की पूरा तो दूसरे बिजनेस में लगाना बाद में ये पूरा बंद कर रहे हैं असिट को भेज दे सारे असट को भेज के जो पैसा मिलेगा ना मेरे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी तेरे पास लिक्विडेशन सो लिक्विडेशन जो है ना वह सबसे 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 डिफिकल्ट स्टेज होता है किसी की भी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट स्टेज है क्योंकि लिक्विडेशन में हम लोग पूरा की पूरा कंपनी बंद कर रहे हैं बेटा बहुत बड़ी बहुत बड़ी स्टेप होती है वो कि उसमें से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उस बिजनेस तुम्हारे एम्प्लॉज तुम्हें क्रेडिटर्स को पैसा देने हैं तुम्हारे कितने सारे एसेट्स हैं पूरा की पूरा यू आर गोइंग टू शट डाउन द बिजनेस मैन शट डाउन द बिजनेस सेल ऑफ लिक्विडेशन के पास अपन सबसे एंड में जाएंगे

वो ठीक है वो संभाल लेंगे बाद में लेकिन पहले इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना कि क्या पढ़ाई करने वाले हैं ठीक है तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रिट्रेंचमेंट क्या होता है रिट्रेंजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलोड ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज का है प्रॉब्लम है बे डायग्नोज करेंगे उस प्रॉब्लम को ठीक है प्रॉब्लम क्या है समझेंगे उसको हम लोग डायग्नोज करेंगे एंड द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज द प्रॉब्लम ओवर द राइट गाइस एंड गर्ल्स आउट देखना है यहां पर इट इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब एंड डायग्नोज द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम The next steps are taken to solve the problems. These steps result in different kind of retrenchment strategy. If the organization chooses to focus on the on ways and means to reverse the process of decline, it adopts the turn around strategy. क्या बोल रहे हैं? देखो आ बहुत अच्छा है ये। If the organisation chooses to focus on ways and means to reverse the process of decline, तो उसको turnaround strategy बोलेंगे। उसको टर्न बोले के मतलब अपन क्या करें ट्राई करें उसको रिवाइव करने के लिए इफ इट कट्स ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स और एनी ऑफ द डिविजन और एनी ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कर्टेल्स द प्रोडक्ट लाइन और रिड्यूस द फंक्शन परफॉर्म इट अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इफ नन ऑफ दिस एक्शन वर्क देन इट मे चूज द एक्टिविटी टोटली रिजल्टिंग इन द लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी बेटा मैंने आपको क्या कहा मैंने आपको यही सारी चीजें बोली एक तो वो डाइवेस्टमेंट करेगा या तो फिर वो पूरा की पूरा लिक्विडेट करेगा या तो फिर वो टर्न अराउंड करेगा टर्न अराउंड करेगा ठीक है बेटा टर्न अराउंड सबसे अच्छी बात है टर्न अराउंड में ही काम हो गया तो सबसे बेहतर सिचुएशन है यह एक कोई भी इंसान चाहेगा कि टर्न अराउंड कर, कर ही सब कुछ ठीक हो जाए टर्न अराउंड कर, कर ही सब कुछ ठीक हो जाए अगर टर्न अराउंड नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे डायवेस्टमेंट के बारे में डाइवेस्टमेंट भी नहीं होता है इतना कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो बिजनेस को लिक्विडेट कर दो दिस इज द ओनली ऑप्शन दिस इज द ओनली ऑप्शन राइट सो समझ में आया क्या रिट्रेंजमेंट पे तीन चीजें देखने की हैं टर्न अराउंड देखने का है फिर डाइवेस्टमेंट देखने का है एंड लिक्विडेशन देखने का है तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी से शुरुआत करेंगे ठीक है एवरी वन रेडी 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 देखो यार बहुत ही मजेदार है कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है कॉन्सेप्ट देखना यहां पर रिट्रेंचमेंट में भी डन आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस एम्फोसिस इज लेड ऑन इंप्रूविंग द इंटरनल एफिशियंसिज नोन एज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी तो यहां पर देखिए बेटा इंटरनल एफिशियंसी की बात करें तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है सो so यह रिट्रेंचमेंट इंटरनली हो सकता है या फिर एक्सटर्नली हो सकता है इंटरनली मतलब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं देर आर सर्टन कंडीशन और इंडिकेटर्स विच पॉइंट आउट दैट टर्न अराउंड इज नीडेड इफ द कंपनी हैजू सर्वाइव देखो यार पहले हम लोग को कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और वह सिग्नल्स मिलने के बाद वो इंडिकेटर्स पॉप होने के बाद इमीडिएटली तुम लोग को कुछ ना कुछ प्लान कर लेना चाहिए इमिडिएटली कुछ ना कुछ प्लानिंग शुरू करनी चाहिए वो इंडिकेटर्स क्या है डेंजर सिग्नल्स क्या क्या है देखते हैं परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो हाईलाइटर का कलर चेंज कर देता हूँ देखो नेगेटिव कैश फ्लो अगर आ रहे हैं कंटिन्यूसली तो ये, बेटा ये सिग्नल है आपके लिए एक ठीक है ये आपके लिए एक सिग्नल है कि कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विस दे आर नॉट कॉम्पिटेटिव डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है डिटॉरिएशन इन द फिजिकल फैसिलिटीज ओवर स्टाफिंग हाई टर्न नंबर ऑफ एम्प्लॉज लो मॉरल एंड मिसमैनेजमेंट डेंजर के साइन आप लोगों को पहले ही दिख जाने चाहिए डेंजर के साइन आपको पहले ही दिख जाने चाहिए अगर इसमें से यह कुछ सिग्नल आ रहे हैं तभी आपको समझना चाहिए कि मुझे मेरी कंपनी का टर्न अराउंड करना पड़ेगा बिकॉज आई एम हैविंग कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो मार्केट शेयर हमारा कम हो रहा है अनकोम्पिटेटिवनेस इन द मार्केट हाई टर्न ओवर ऑफ द एम्प्लॉइज मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है तो ये सारी चीजें हम लोग को एक संकेत देती है कि तुम्हारी कंपनी को टर्न अराउंड की जरूरत पड़ सकती है बहुत ही जल्द राइट तो अब देखिए आगे एक्शन प्लान फॉर द टर्न अराउंड फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज टू बी सक्सेसफुल हम लोगों को कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ये टर्न अराउंड के पांच स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं टर्न अराउंड के पांच स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्टेजेस बहुत ही आसान है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फाइव स्टेजेस टर्न अराउंड में पांच स्टेजेस देखने वाले हैं तो ठीक है देखना अभी टर्न अराउंड का कैसे होगा प्लान ठीक है अब देखना यहां पर फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपेरेटिव टू फोकस ऑन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स एज वेल एज स्ट्रेटेजिक इशूज अ वर्केबल एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड वुड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस स्टेज वन क्या है सेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम ठीक है तो क्या है फर्स्ट स्टेप इज टू असैस द करंट प्रॉब्लम एंड गेट द रूट कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ द डैमेज द प्रॉब्लम है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसका असेसमेंट करने का और उस प्रॉब्लम के कारण कितना नुकसान हमें हुआ है वो भी हमें देखना है सो द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज ठीक है सो so, पहले तो करंट प्रॉब्लम ढूंढो क्या मेन मुद्दा है द रूट कॉज व्हाट इज द रूट कॉज और उसके वजह से अपने को कितना डैमेज हुआ है ठीक है वंस द प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड द रिसोर्स शुड बी फोकस एरियाज एसेंशियल टू एफिशिएंटली वर्क ऑन करेक्टिंग एंड रिपेयरिंग एनी इमीडिएट इश्यूज़ देखो यार कुछ कुछ चीजें होती है जो कि इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है मतलब देर आर सम थिंग्स वेर द इमीडिएट एक्शन कैन नॉट बी टेकन दे नीड टू आइडेंटिफाइड एंड स्लोली स्लोली प्लान कर कर हम लोग कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती ना कि जिस पर इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं हम लोग तो सबसे पहले तो रूट कॉज फाइंड आउट करो उसके वजह से डैमेज कितना हुआ है वो देखो और इमीडिएट एक्शन क्या ले सकते हैं हम लोग वो भी देख लो ठीक है सो so, अगर हम लोग इमिडिएटली किसी चीज को मिटिगेट कर सकते हैं टेम्पररी थोड़ा बहुत तो भी तो हम लोग को उस पर फोकस करना चाहिए जी हा से प्रॉब्लम इज एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान एनालाइज द सिचुएशन देखो यार पहले तो हम लोगों ने रूट कॉज निकाल लिया अब रूट कॉज निकालने के बाद एनालिसिस करना पड़ेगा एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान बिफोर यू मेक डायरेक्टली स्टेप मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे नो 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 यू डोंट हैव टू डू दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली डेवलप द प्लान डोंट इंप्लीमेंट इमीडिएटली डेवलप करो पहले ठीक है सो बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंजेस डिटरमाइन द चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज एंड डेवलप अ प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान फॉर दिस वन फॉर दिस वन शुड लुक फॉर द वाइबल कॉर बिजनेस एडिकुएट ब्रिज फाइनसिंग एंड अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द एरिया ऑफ कॉम्पिटेटिव पोजिशन वंस द मेजर प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड डेवलप स्ट्रैटेजिक प्लान विद स्पेसिफिक गोल्स इंपॉर्टेंट है देखना यहां पर सॉरी स्पेसिफिक गोल्स एंड डिटेल फंक्शनल एक्शन तो यार एनालाइज द स्ट्रेंथ एनालाइज द वीकनेस इन द एरियाज ऑफ कॉम्पिटेटिव पोजिशन वंस द प्रॉब्स एंड ऑपर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड स्ट्रेटेजिक प्लान तो यार एनालाइज करना मतलब हम लोग खुद को भी एनालाइज कर रहे हैं ठीक है हम लोग हमारा वायबल कोर बिजनेस फॉर दिस वन शुड लुक फॉर द वायबल कोर बिजनेस एडिक्एट ब्रिज फाइनेंसिंग एंड अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस ठीक है स्टेप बाय स्टेप बेटा स्टेप बाय स्टेप पहला पॉइंट क्या बोलता है असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम्स दूसरा पॉइंट क्या बोलता है दूसरा पॉइंट बोलता है एनालाइज करो एनालाइज करो और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ ठीक है एनालाइज करो और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ तीसरा पॉइंट क्या बोलता है इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान फ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्रिटिकल स्टेज एंड अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव द प्लान टिपिकली इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल एक्शन टू रीस्ट्रक्चर द डेट इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल मोस्टली न प्रॉब्लम यहां पर आती है वर्किंग कैपिटल मोस्ट ऑफ द कंपनीज को नहीं होता है ये नहीं होता है और ये नहीं होता है ये वाली चीजें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है ठीक है रिड्यूस द कॉस्ट इंप्रूव बजेटिंग प्रैक्टिस प्रून प्रोडक्ट लाइंस एंड एसेलरेट द हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी एस्टैब्लिश पॉजिटिव कैश फ्लो मस्ट बी एस्टैब्लिश एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इनफ फंड्स टू इंप्लीमेंट द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज मस्ट बी रेज्ड ठीक है Then it is restructuring the business the financial state of the organization core business is particularly important and if the core business is irreparably damaged, then the outlook for the entire organization may be bleak and prepare the cash forecast analyze the assets and dates, review the profits, analyze the other key financial functions of the position and uh, the organization and rapid improvement. Ab dekho yaar, kya bol rahe hai ye थर्ड चीज में इन्होंने क्या बोला थर्ड चीज में इन्होंने थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या बोला कि हम लोगों को यहां पर इंप्लीमेंट कर दें इमरजेंसी प्लान्स को तो इमरजेंसी प्लान्स में क्या हो सकता है जैसे कि उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इमीडिएटली सो दैट कंपनी का और ज्यादा नुकसान ना हो जाए ठीक है so, सो उन्होंने ये बोला है कि यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्रिटिकल स्टेज एंड एटलीस्ट स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव तो भी कर सकता है और आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है ठीक है और एज क्विकली एज इट इज पॉसिबल हम लोगों को ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव लेकर आने हैं दैट शुड बी माई मेन पर्पज देन देर टॉकिंग अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोर बिजनेस इज पर्टिक्युलरली इंपॉर्टेंट इफ द कोर बिजनेस इज इिपेरेबली डैमेज Then the outlook for the entire organization may be bleak. Prepare a forecast, prepare a cash forecast, analyze the assets and debts, review profits, and analyze other key financial functions to position the organization for rapid improvement. During the turnaround, the product mix may be changed, requiring the organization to do some repositioning. Core products are neglected over the period of time. ठीक है। देखो यार ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रक्चरिंग करना तुमने टैंक देखा है क्या टैंक। सर आप हमेशा घूम फिर कर टैंक पर क्यों आते हैं यार उसमें से बहुत कुछ था जो हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो वो एक बंदा था उस बंदे ने क्या किया उस बंदे ने बोला कि आ, मेरे को ना मेरे को ना एक नया प्रोडक्ट लेकर आना है लेकिन मेरा ये मेन प्रोडक्ट है लेकिन मेरे को ये भी करना है वो भी करना है ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है तो वो क्या बोलते हैं यार तेरा ना कुछ तो भी एक बिजनेस नहीं है तू बहुत जगह पर सोच रहा है ठीक है या फिर वो बहुत सारे जगहों पर था तो वो बोलता है कि नहीं 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 तू सिर्फ एक बिजनेस कर तू बहुत सारे जगहों पर बिजनेस कर रहा है भाई तो प्रोडक्ट मिक्स जो है ना वो ठीक नहीं है तेरा एट्टी परसेंट ऑफ द बिजनेस जो है वो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट से आ रहा है तो तू ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट ही भेज ना क्यों इतने सारी चीजें कर रहा है और कभी कभी अपन मेन चीज को भूल कर हम लोग दूसरे चीज में ज्यादा टाइम दे रहे हैं सो वो वो लो लोग लोग क्या क्या बोल रहे? क्या बोल रहे रहे हैं हैं कि तुमको प्रोडक्ट मिक्स चेक करने का है और तुमको यहां पर निगलेक्टेड प्रोडक्ट भी रह सकते तुम्हारे उनके पास भी ध्यान देने का है ठीक है तो ये सारा रिस्ट्रक्चरिंग तुमको बिजनेस पे करना पड़ेगा ठीक है विशाखा झा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बेटा कैसे हो चलिए सो देखना बेटा यहां पर सम फैसिलिटीज माइट बी क्लोज द ऑर्गेनाइजेशन में इवन विदड्रॉ फ्रॉम दर्टन मार्केट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन लीनर और टारगेट इट्स प्रोडक्ट टूवर्ड्स द डिफरेंट नेश मॉरल बिल्डिंग इज अनादर इम्पोर्टेंट इनग्रीडियंट इन द ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ऐसे कंपनीज में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मॉरल बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोगों को यहां पर काम करने की इच्छा नहीं होती है लोग छोड़ छोड़ कर जाते हैं ऐसी कंपनीज में लेकिन वॉट हैपन एट टाइम्स इज कि तुम लोगों को कुछ पीरियड चाहिए होता है और फिर से कंपनी रिवाइव हो सकती है जैसे कि कैडबरी के साथ हुआ था कैडबरी के केस में क्या हुआ था मॉरल डाउन हो गया था सारे एम्प्लॉयज का वहां पर आ गए थे कैडबरी में बहुत पहले की बात है तो उसमें क्या हुआ उन्होंने बोला कि तुम लोग टेंशन मत लो उन्होंने एम्प्लॉयज का मॉरल को नीचे होने नहीं दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग रिवाइव करेंगे नाइनटी डेज के अंदर उन्होंने रिवाइव किया ठीक है सो यस मॉरल बिल्डिंग इज अनादर इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटेटिव इफेक्टिवनेस रिवार्ड एंड कंपेंसेशन सिस्टम दैट एनकरेज द डेडिकेशन एंड क्रिएटिविटी अमॉन्ग्स द एम्प्लॉइज टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट्स तो यार डेफिनेटली आई वुड से दैट रीस्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द वेरी मेजर थिंग्स वेरी मेजर थिंग अगर आप लोग को इर रिपेरेबली डैमेज हो चुका है तुम लोगों को कैश फोरकास्ट बनाने हैं एनालाइज करना है असेट्स क्या है डेट्स कितनी है प्रॉफिट्स कितने हैं कौन से प्रोडक्ट से कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द टर्न अराउंड प्रोडक्ट मिक्स मे बी रिक्वायरिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू डू सम रिपोजिशनिंग कोर प्रोडक्ट्स समेड ओवर द पीरियड टाइम मे रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन टू रिमेन कॉम्पिटेटिव ठीक है सो गाइज so यहां पर देखना रिस्ट्रक्चरिंग अगेन बिकम्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ठीक है अब देखना यहां पर स्टेज फाइव रिटर्निंग टू नॉर्मल इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी प्रोसेस द ऑर्गेनाइजेशन द साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब यार ये रिटर्निंग टू नॉर्मल है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी थोड़ी आएगी जो लॉस मेकिंग में थी तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट नहीं के बराबर निग्लिजेबल प्रॉफिट तो हो गया थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया ठीक है सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हो रहा है एनहांसिंग द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एम्फोसिस इज प्लेसड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स सच एज केयरफुली एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग द कस्टमर सर्विस क्रिएटिंग अलायसेज विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर इम्प्रूविंग द कस्टमर सर्विस क्रिएटिंग द अलायसेस मार्केट शेयर और यहाँ पर देखना इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ठीक है तो गाइज यहाँ पर देखिए ये है वो पाँच स्टेजेस ये वो पांच स्टेजेस जिस पर आपको ध्यान रखना होगा दीज आर द फाइव स्टेजेस हम लोग दोबारा पांचों स्टेजेस को देखेंगे अगर ये पांच चीजें हो जाती है तो टर्न अराउंड सक्सेसफुल तो टर्न अराउंड सक्सेसफुल लेकिन अगर नहीं होगा तो अपने को जाना पड़ेगा डाइवर्समेंट में अपने को जाना पड़ेगा डायवर्समेंट में तो एक बार एक बार फिर से फाइव स्टेज सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ते हैं फास्ट फास्ट पढ़ेंगे ठीक है देखना यहां पर फर्स्ट स्टेज कि करंट प्रॉब्लम क्या है रूट कॉज क्या है कितना डैमेज हुआ है और इमीडिएटली उसको करेक्ट कर क्या कर सकते हैं अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो दूसरी स्टेज पहली है करंट प्रॉब्लम दूसरी क्या है एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप द प्लान एनालाइज द सिचुएशन डेवलप द स्ट्रेटेजिक सिचुएशन डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान तीसरी सिचुएशन इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान इंप्लीमेंटिंग एंड इमरजेंसी एक्शन प्लान तो यहां पर हमें इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या लगाना है तो वो देखना है यह है हमारे फाइव स्टेजेस जिसके थ्रू हम लोग टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं नॉर्मल पर लेकर आ सकते हैं ठीक है यस सो so, अभी अपन देखने वाले डाइवर्समेंट अभी अपन जाने वाले डाइवर्समेंट की तरफ नहीं तुरंत नहीं है थोड़ा सा और कुछ है यहां पर रुक जाना रुक जाना तुरंत नहीं है सो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आर एज फॉलोस चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन न्यूट्रलाइजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर्स आइडेंटिफाइंग द क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज क्विक कॉस्ट रिडक्शन रेवेन्यू जनरेशन एसेट लिक्विडेशन फॉर जनरेटिंग कैश एंड बेटर इंटरनल कॉर्डिनेशन सर ये क्या है अरे बेटा रुको मैं आपको बताता हूँ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आर एज फॉलोज तो तुमको टर्न अराउंड करते करते तुम लोग को टॉप मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं आप लोग को तुम्हारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी न्यूट्रलाइजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर्स जो एक्सटर्नल जो कुछ चीज़ें थी जो हमारी कंपनी के लिए अच्छी नहीं थी उसको कम करने की कोशिश करनी है आइडेंटिफाइंग द क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज ठीक है देन क्विक कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन कैसे कर सकते हैं एसेट लिक्विडेशन कैसे कर सकते हैं करना पड़ेगा अभी थोड़ा बहुत क्योंकि कैश चाहिए रहेगी बिजनेस को एंड बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन तो यार ये सब कुछ ना इंटरनल है ये सब कुछ इंटरनल है जो हम लोग कर सकते हैं और जो हम लोग को करना चाहिए जो हम लोग कर सकते हैं और जो हम लोग को करना चाहिए सो so, ये कुछ एलिमेंट्स है इस पर ऐसे डायरेक्टली सवाल आएगा आप लोगों को क्या सवाल आएगा द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज वॉट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी ऐसा सवाल आएगा राइट right? तो आपको लिखना पड़ेगा कि चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट को करना चाहिए क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग करनी चाहिए कॉस्ट uh, रिडक्शन करना चाहिए रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेशन करना चाहिए लिक्विडेशन uh, करना चाहिए फॉर द कैश जनरेशन ठीक है एसेट लिक्विडेशन फॉर द कैश जनरेशन एंड बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी बचा पार्टी डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब कोई बिजनेस को हम लोग बेच रहे हैं कुछ स्ट्रेटेजी बिजनेस यूनिट को हम लोग बंद कर रहे हैं ठीक है वन ऑफ द पोर्शंस वी आर लिक्विडेटिंग इट सो डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व द सेल और लिक्विडेशन क्या है सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस और अ मेजर डिवीजन प्रॉफिट सेंटर और एसबीयू मतलब यार यहां पर देखो ये एबीसी लिमिटेड है ये अपना मेन मेन पूरा की पूरा कंपनी बड़ा उसमें से एक बिजनेस है ए लिमिटेड एक बिजनेस है बी लिमिटेड एक बिजनेस है तो ये रिलायंस है रिलायंस में ये ये क्या है जियो है ये क्या है रिलायंस फ्रेश है ये क्या है रिलायंस डिजिटल है ठीक है सो यहां पर हम लोगों ने एक बिजनेस को सोचा कि यार ये अभी बंद करना पड़ेगा इस वाले को बंद कर दो तो ये क्या है पोर्शन ऑफ द बिजनेस को सेल किया है पोर्शन ऑफ द बिजनेस को लिक्विडेट किया है ये सी लिमिटेड एक एसबीयू स्ट्रेटजिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ये सी लिमिटेड एक प्रॉफिट सेंटर है जिसको हम लोग बंद कर रहे हैं ये लिमिटेड एक हमारा मेजर डिवीज़न है जिसको हम लोग बंद कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या यस यस हेलो सर कौन है दिवेंकर दिवेन दिवेन बेटा ध्यान दे डाइवर्समेंट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड इज एडॉप्टेड टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड टर्न अराउंड तो अटेम्प्ट तो किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ राइट right? एक सेकेंड यार टर्न अराउंड अटेम्प्ट तो किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ बट हैज प्रूव टू बी द

चलिए ग्रेट आगे बढ़ते हैं अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बी अडॉप्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन बिजनेस दैट हैज एक्वायर्ड टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी यार हमारे बिजनेस से कुछ रिलेटेड है ही नहीं वो ठीक है पर्टिकुलर बिजनेस तो इसलिए हमने सोचा कि इसको बंद कर देते हैं इसको बेच देते हैं इसको निकाल देते हैं परसिस्टेंट निगेटिव कैश flows from द पर्टिकुलर बिजनेस क्रिएट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर द होल कंपनी क्रिएटिंग द नीड फॉर डाइवेस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस बहुत ही अच्छी बात बोली है हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस को शुरू किया ठीक है ठीक है मतलब हमारे पहले पांच बिजनेसेस थे पांच बिजनेसेस थे हमने एक और बिजनेस शुरू किया सिक्स्थ मतलब बिजनेस जो कि हमारे हमने सोचा था कि वो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन वो कुछ काम का नहीं था बिजनेस वो बहुत ही गलत डिसीजन था और अगर वो बिजनेस लॉस में जाता है तो यार वहां पर निगेटिव कैश फ्लो तो मुझे ये पांच बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है है वहां से पैसा यहां पर डालना पड़ रहा दो साल हो गया तीन साल हो गया मतलब ये परसिस्टेंट कैश फ्लोज के कारण क्या हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी होल कंपनी पर क्योंकि यार पैसा फिर बाद में यहां से देना पड़ेगा ना उन लोगों को सो होल होल कंपनी

में बी अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट दिस इज ऑल्सो राइट एक बेटर अल्टरनेटिव है अवेलेबल तो फिर हम लोग एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग में क्यों करें कॉजिंग द फॉर्म टू डाइवेस्ट पार्ट ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस सो यस वॉट आर द रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट वी आर सींगट यहां पर बहुत सारे रीजनस है जिसकी वजह से हम लोग डायवेस्ट कर सकते हैं पहला रीजन है यहां पर देखना परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो persistent negative cash flow inability of the firm technological upgradation टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पा रही है कंपटीशन को यहां पर बीट नहीं कर पा रही है निगेटिव कैश फ्लोस कम कंटिन्यूअसली है या फिर हमारे पास एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो डेफिनेटली हम लोग को उस बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर हम लोगों को क्या करना चाहिए फोकस करना चाहिए राइट गेटिंग ऑल ऑफ यू यस अमेजिंग आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी दिस स्ट्रेटजी इनवॉल्व डाइवर्समेंट ऑफ सम एक्टिविटीज इन गिवन बिजनेस ऑफ द फर्म और सेल आउट ऑफ ऑफ सम द बिजनेस एज सच डाइवर्समेंट इज टू बी व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच लाइक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी डायवर्समेंट स्ट्रेटजी टू अ रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस ये लोगों ने कितना अच्छी तरीके से लिखा है यहां पर देखना ये लोग बोल रहे हैं कि डायवर्समेंट इज टू बी व्यूड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटी यहां पर कोई स्टिकमा अटैच मत रखना ये लोग कह रहे डायवर्समेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस मतलब तुम बिना फालतू तो के कंपनी को निकाल रहे हो मतलब ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटी नहीं है नो इट्स नॉट लाइक दैट इवन इट इज गुड एट टाइम्स ठीक है इट गुड टू कट ऑफ द लॉसेज एंड लॉस मेकिंग बिजनेस एट वंस राइट तो ये कभी कभी बहुत अच्छा भी साबित हो जाता है राइट सो वॉट आर देटा तुम ऐसे नहीं डाइवर्समेंट इज टू बी व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दॉरपोरेट स्ट्रैटेजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच कितनी गहरी लाइन है भाई ये जस्ट बिकॉज अपन अपना धंधा बंद कर रहे है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का प्लान नहीं है या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है अफकोर्स इट इज देर ऑफकोर्स इट इज देर लाइक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टू इनवॉल्व अ रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस क्या बोल रहा है ये भी एक रीडेफिनेशन का पार्ट है ये भी एक रीडेफिनेशन का पार्ट है राइट right? यस yes.

और प्रोसेस बिजनेस बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल अनवाबल इनएबिलिटी टू कोप अप विद द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी एंड फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी यार बहुत ही आसान है यार मैं तो कहूंगा कि ये सारी चीजें आपको याद रहनी ही चाहिए इस पर एक कुछ तो वो केस स्टडी बना देंगे किस पर एक ही पॉइंट पर एप्सोलेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस तो उस पर आपको बना देंगे इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी इन एबिलिटी टू कोप विद कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ठीक है यहां पर भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है ये जो पॉइंट ना ये भी बड़े अच्छे पॉइंट है इस पर भी आप लोगों को स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कल क्वेश्चन आंसर सेशन में बेटा बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा सीरियसली बता रहा हूं नेगेटिव कैश फ्लोज है मुझे याद है इस पर है क्वेश्चंस ठीक है ठीक है यस हम लोग देखेंगे तो ये चार पॉइंट यार इंपॉर्टेंट है ठीक है ये वाले पॉइंट कंपलशन फॉर डाइवेस्टमेंट सो क्या है ऑप्सिलेशमिंग अनप्रॉफिटेबल एंड इनएबिलिटी टू को इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी एंड फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी राइट सो ये है कुछ कारण जिसके वजह से हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़ सकता है बिजनेस मतलब पूरे बिजनेस का एक छोटू सा हिस्सा एक प्रॉफिट यूनिट एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट ठीक है बेटा एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ दिमाग में जा रहा है ना रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में सबसे पहला पार्ट टर्न अराउंड पहले हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की कोशिश में पांच स्टेजेस हम लोगों ने देखी फिर आता है दूसरा पार्ट डाइवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट मतलब हमारा बिजनेस है और उसमें से बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है उसमें से एक बिजनेस को हम लोग बंद कर रहे हैं क्योंकि वो लॉस मेकिंग है क्योंकि वहाँ पर निगेटिव कैश फ्लोज है क्योंकि वहाँ की प्रोसेस बहुत ओल्ड हो चुकी है क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन को मीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रेवेन्यू वहां से नहीं आ रहा है ठीक है सो so, उसके कारण ठीक है अब जो देखने वाले हम लोग लिक्विडेशन ये सबसे 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 डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है क्योंकि तुम तुम्हारी कंपनी पूरी बंद कर रहे हो पूरी कंपनी बंद कर रहे हो राइट सो so, हम लोग आगे बढ़ेंगे लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कंसीडर एज मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव इज लिक्विडेशन द मोस्ट अनअट्रैक्टिव द मोस्ट एक्सट्रीम कौन सी है लिक्विडेशन विच इन्वॉल्व क्लोजिंग डाउन अ फर्म एंड सेलिंग इट असेट्स। क्लोजिंग डाउन द फर्म क्लोजिंग डाउन द फर्म समझ रहे हो हम लोग पूरा के पूरा बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं वी आर सेलिंग इट्स असेट्स एज वेल राइट इट इज कंसीडर एज अ लास्ट रिसोर्ट बिकॉज इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉयज टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेर फर्म कुड परसिव Any future activities and stigma of failure. Many small scale units, proprietary firms, and partnership ventures liquidate frequently, but medium and large size companies rarely liquidate in India. Many small scale units, proprietary firms, partnership ventures liquidate frequently. But medium and large size companies rarely liquidate in India. The company management, government, banks, and financial institutions, trade unions, suppliers, creditors, and other agencies are extremely reluctant to take a decision or ask for liquidation. Absolutely, it's a very big decision. Selling an asset for implementing a liquidation strategy may also be difficult as the buyers are difficult to find. Yes. Moreover, the the firm cannot expect the compensation as most of the assets being unusable are considered as a scrap. तो बहुत दिक्कत होती है, है, में। बहुत ही आसानी से नहीं होता है। जल्दी वेसेट बेचना भी इट इज नॉट दैट इजी राइट सो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी में बी अनप्लेजेंट कोर्स इट इज अनप्लेजेंट एज अ स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव बट व्हेन द डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अट It is a good proposition. Of course, it is good at times to close it down. For instance, the real estate owned by the firm may fetch it more money than the actual return of doing the business. तो यार वो कहते हैं ना कि कभी कभी तुम्हारे पास जो जगह है उस जगह के ज्यादा पैसे आ जाएंगे या फिर कभी कभी कहते हैं कि जहाँ पर तुम बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हो ना उसके रेंट भी वहाँ पर दे दिया दे तुमने तो रेंट से ज्यादा पैसे आएंगे इंस्पाइट ऑफ डूइंग द बिजनेस

Major reasons for retrenchment or turnaround strategy. The management no longer wishes to remain in the business either partly or wholly due to continuous losses or unviability of the business. The management feels that the business could be made viable by divesting some of the activities or liquidation of the unprofitable activities. A business that has been acquired proves to be the mismatch mismatch and cannot be integrated within the company the persistent negative cash flows from a particular business create a financial problem for the whole company creating the need for the divestment of that business right so severity of the competition and inability of the firm severity of the competition and inability of the firm to cope up may cause the firm to divest टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर नहीं होता है तो भी हम लोग करेंगे एंड बेटर अल्टरनेटिव मिल जाते, है, तो जाते हैं तो भी हम लोग क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाते तो हम लोग बंद कर देंगे सो so, यार बेसिकली अगर मैं देखू यहां पर बेसिकली मैं देखू यहां पर तो इन्होंने यहां पर सारे के सारे पॉइंट्स लेकर आ गए जो हम लोगों ने तीनों में देखे थे जब हम लोगों ने तीनों में देखे थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आ गए और यहां पर वो लोग क्या बोल रहे हैं दे आर ट्राइंग टू टेल कि किन किन रीजंस की वजह से हम लोग बिजनेस को बंद कर रहे हैं कौन से सारे रीजंस की वजह से हम लोग बिजनेस को बंद कर रहे हैं एक तो कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है वायबल नहीं है बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करने के लिए इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं फिर यहां पर देखना द मैनेजमेंट फील्ड बिजनेस कुड बी वायबल बाय डाइवेस्टिंग तो कुछ चीजों को डायवेस्ट कर कर ही हम लोग चला सकते हैं तो ठीक है या फिर अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को बंद कर दो ठीक है द बिजनेस दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड प्रूव टू बी द मिसमैच जो हमने नया बिजनेस शुरू किया है वो एक्जैक्टली exactly वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था इट इज़ मिस मैच और वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता है हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ निगेटिव कैश फ्लोस कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और हमारे फॉर्म की इन एबिलिटी उसको कोप करने के लिए टेक्निकल अपग्रेडेशंस जो रिक्वायर्ड है लेकिन हमारे पास वो टेक्निकल अपग्रेडेशंस नहीं है ठीक है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फॉर्म टू इन्वेस्ट इन द इन इन इट And preferable option would be to divest, and better options are available for the investment. So it is better to close down our firm and close down our firm and uh, divest it, if you have to liquidate it, right? So guys and girls out there, we have we have completed with the stability strategy, two star strategy, expansion strategy, huge strategy. Okay. थर्ड स्ट्रैटेजी लिक्विड रिट्रेंजमेंट स्ट्रेटेजी अच्छा वाला था इस पर तीन चीज़ें थी एंड द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन जो एकदम छोटू सा है तो स्टेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन इज वेरी छोटू सा एक्सपेंशन एंड रिटरेंजमेंट बहुत बड़ा है आ, कल हम लोग इसके क्या देखेंगे केशरीज देखेंगे अभी मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा ठीक है एक बार यार अगर हम लोग अभी नहीं किए ना समझो तुम लोग तुमको लगेगा कि सर जाने दो ना सर बाद में कर लेंगे ना नहीं बेटा क्या होता है ना अगर रिवाइज नहीं किया ना तो दिमाग में से छूट जाएगा यार मतलब इतना कुछ किया पांच मिनट के लिए मत करना ऐसे ओनली ओनली मिनट्स मिनट्स आई टेक मच टाइम ठीक है ओके ये रहा बेटा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी ये रहा तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी क्या बोलता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी बोलता है कि अपने को स्कोप ऑफ एक्टिविटी को कम करने का है क्यों कम करने का है अपने को यहां पर प्रॉब्लम एरिया देखने का है डायग्नोज करने का है कि क्या क्या प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अगर है तो तीन टाइप तीन चीजें करनी पड़ सकती है एक तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे टर्न अराउंड के थ्रू एक तो हम लोग डाइवेस्टमेंट करेंगे या तो फिर हम लोग लिक्विडेट कर देंगे तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं टर्न अराउंड के बारे में टर्न अराउंड क्या है ये इंटरनल एफिशिएंसी है टर्न अराउंड के कुछ सिग्नल्स से अपने को पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है तो यहां पर टर्न अराउंड की जरूरत है जैसे कि नेगेटिव कैश फ्लो मार्केट शेयर कम हो रहा है कॉम्पिटेटिव हमारा नहीं है अभी मार्केट में ठीक है सो हम लोगों को ऐसे टाइम पर क्या करना पड़ेगा हो हो रही है हो है ओवर स्टाफिंग रहा एम्प्लॉय छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं तो हम को समझना चाहिए कि अपनी कंपनी के साथ कुछ तो भी हो रहा है कुछ तो भी गलत सलत हो रहा है तो अपने को अभी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में लग जाना है तो पांच स्टेजेस है कौन सी है पहले तो यार करंट प्रॉब्लम को ढूंढो रूट कॉज क्या है उसको ढूंढो दूसरा प्रॉब्लम क्या है एनालाइज करो सिचुएशन को और एनालाइज कर कर तुम एक प्लान बनाओ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ ठीक है तीसरा क्या है अगर तुमको इंप्लीमेंट करनी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन इमरजेंसी वाले प्लान तो फटाफट से करो सो दैट ब्लीडिंग कम हो जाएगा कंपनी का तीसरा क्या है रिस्ट्रक् फोर्थ क्या है रिस्ट्रक्चर बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा प्रोडक्ट मिक्स को बदलना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा है अनइंपॉर्टेंट पर ज्यादा ध्यान जा रहा है ठीक है तो वो सारे हम लोग को रिस्ट्रक्चरिंग करने पड़ेंगे जी हाँ एंड द लास्ट वन क्या है नॉर्मल पर आ रहा है मतलब अपना बिजनेस अभी धीरे धीरे अच्छी साइंस बता रहा है तो अपने को प्रॉफिट भी हो रहा है सेल्स थोड़ा इंप्रोवाइज हो रहा है धीरे 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 इकोनॉमिक वैल्यू एड हो रही है तो वो सारी चीजें अगर होती है तो हम लोग नॉर्मल पर आ रहे हैं तो हम लोग को टर्न अराउंड के टाइम पर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जैसे कि टॉप मैनेजमेंट्स में बदलाव क्रेडिबिलिटी को बनाना है क्रिएट करना है कॉस्ट को रिड्यूस करना है रेवेन्यू को बढ़ाना है असेट्स को यहां पर कुछ कुछ एसेट तो को बेचकर हमको पैसा करना बनाना पड़ेगा क्योंकि पैसों की नीड होती है उस टाइम पर बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूट्रलाइजिंग द एक्सटर्नल इंपैक्ट ठीक है डाइवेस्टमेंट सो डाइवेस्टमेंट में क्या होता है डाइवेस्टमेंट में समझना यहां पर हम लोग सेल कर रहे हैं क्या कर रहे सेल कर रहे हैं वन ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग यूनिट या फिर वन ऑफ द प्रॉफिट सेंटर या फिर वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट तो हमने एग्जाम्पल या एबीसी था उसके अंदर तीन बिजनेस थे तो वन ऑफ द बिजनेस को हम लोग क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे डाइवेस्टमेंट बोलेंगे क्योंकि वो मिसमैच है क्योंकि वो मिसमैच है क्योंकि वहां पर हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है वैसे भी ठीक है सो उसको बेच देंगे फिर यहाँ पर देखना परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो आ रहे हैं इन एबिलिटी ऑफ द फॉर्म फॉर द कॉम्पिटिशन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है एंड बेटर अल्टरनेटिव मिल रहे हैं मिसमैच है जो कि इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है अपने कंपनी के साथ तो हम लोग उसको फिर डाइवेस्ट कर देंगे ठीक है डाइवेस्ट कर देंगे डायवेस्ट करना भी इट इज गुड एट टाइम्स ठीक है यह भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा होता है एंड द लास्ट वन इज डाइवेस्टमेंट देखना यहां पर कौन से कौन से चीजों की वजह से है अनप्रॉफिटेबल है अनवाबल है बहुत सारा कॉम्पिटिशन है ओवर कैपेसिटी है अब्सोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस और ये है हमारा लिक्विडेशन जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाली सिचुएशन होती है बट ये कभी ना कभी करना पड़ता है दिस इज द लास्ट रिसोर्ट टू डू राइट यस आई होप दैट बेटा मैंने यहां पर जस्टिस किया है कल तो मजा आएगा कल जो हम लोग आज जो हम लोगों ने पढ़ा है ना वो कल सब कुछ तुमको ऐसे आंखों के सामने आ जाएगा जब हम लोग सारे क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे रिटर से रिलेटेड राइट सो यस गाइज आज हम लोग यही पर रुकते हैं एंड इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन अन एकेडमी आप लोग यहां पर जा सकते हो अन अकेडमी की वेबसाइट पर आपका यहाँ पर गोल सेलेक्ट कर सकते हो सी इंटरमीडिएट यहां पर देखना प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लाइट सब्सक्रिप्शन प्लस एंड आइकॉनिक में मैंने आपको बताया लाइट में आप लोग को वीडियोस नहीं दिखेंगे लाइट में बहुत सारी प्रैक्टिस होगी यहां पर क्या होगा आप लोगों को इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए ये ट्वेल्व मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 5600 हजार छह सौ में सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फोर फोर एट जीरो एंड यहाँ पर थ्री मंथ्स का सब्सक्रप्शन टू एट जीरो जीरो आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइजिंग डिटेल्स आप लोग देख सकते हो फॉर्टी थ्री टू हंड्रेड फॉर दिस इज फॉर एट सब्जेक्ट्स फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स एटी मंथ्स का सब्सक्रिप्शन थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ पर देखना थर्टी टू थाउजेंड और यहां पर है ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड दिस इज फॉर द प्लस यू कैन यूज माई कोड दैट इज टेन डी ए जी ए वन जीरो इज द कोड एंड वंस यू दिस कोड यू कैन जस्ट गेट विथ योर प्लस क्लास ठीक है सो so, पार्टी भूलिएगा मत एंड सी यू सून टूमोरोट एट 8 पीएम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी छोटा स्ट्रेटजी खत्म कर कर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ठीक है सो so, टाटा बबा टेक केयर धन्यवाद मिलते हैं कल शाम आठ बजे